यस मैम, थ्योरी और यस ऑप्टिकल मैम, कॉम्प्लेक्सेस, वी नो दैट अगर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के पढ़ रहे हैं, दिस इज ऑक्टाहेड्रल एंड वी नो दैट 5d ऑर्बिटल्स आर देयर. 5d ऑर्बिटल्स में 5d ऑर्बिटल हम 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, dxy dyz dzx dx square minus y square and dz square. Okay, we know that ये three जो होते हैं, these three are of ये जो three है, ये axis के बीच में है और ये दोनों है axis के ऊपर, right? ये this is the structure, ये है axis के ऊपर. ये लीजिए, this one is on the axis और dxy yz and zx जो है between the axis. यहाँ तक we have down. When ligands approach from एक्सिस, राइट? जब लीगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं किससे? एक्सिस से, तो क्या होगा? लीगेंड्स इलेक्ट्रॉन क्लाइड और मेटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब मेटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और लीगेंड्स का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दोनों में क्या होगा? रिपल्शन. दोनों में क्या होगा? रिपल्शन. देख लीजिए एक बार, जब लीगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं एक्सिस से और यहाँ पे है सेंट्रल मेटल एटम, सीएमसी और लिगेंड्स के बीच में रिपल्शन होगा. अगर रिपल्शन होता है तो इन पांचों ऑर्बिटल्स में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा इन दोनों में, dx square minus y square and dz square. Why? Because already they are on the axis. So what will happen? Because the dx square minus y square and dz square में रिपल्शन ज्यादा होगा, तो व्हाट विल हैपन? सपोज मान लीजिए फाइव ऑर्बिटल है, फाइव ऑर्बिटल में यहाँ पे ऊपर और यहाँ नीचे, तो ऊपर ये टू चले जाएंगे और नीचे ये थ्री रहेंगे, टी टू जी एंड ई जी. जो ई जी ऊपर जाएगा ना, ये इसको हम ई जी कहेंगे और इसको कहेंगे टी टू जी. ऊपर जो है वो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे है डी जेड स्क्वायर. dxy, dyz and dzx. ये नीचे रह गया, dx square minus y square and dz square. It more experience more repulsion, therefore it comes up upper side, right? Yes, ma'am. Here lies along axis and lies yes, between axis. Okay, just write here so that you learn like this only. कि जैसे ये जो five orbitals है, बिकॉज ये सेम एनर्जी में है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड डीजनरेट या डीजनरेसी ऑर्बिटल्स, बिकॉज ऑल आर फाइव आर ऑफ सेम एनर्जी. बट वेन लिगेंड्स अप्रोच, तो ये डीजनरेसी से ब्रेक हो जाते हैं एक लोअर एनर्जी और एक हायर एनर्जी में. ओके, फाइव ऑर्बिटल्स स्प्लिट इनटू ईजी एंड टी2जी. द डिफरेंस बिटवीन टू इज डेल CFSE कहेंगे से, जिसको हम कहते हैं denoted by delta, and because it is called octahedral, therefore it is written as O. Suppose this is octahedral complex, and because from this axis, इस axis से strong field ligand आ रहा है, if strong field ligand is coming, strong field ligand इनमें से आ रहा है, that means repulsion is more. That means the splitting of d orbital is also more. उतना ज़्यादा split करेगा जितना ज़्यादा strong ligand, उतना ज़्यादा repulsion और उतना ज़्यादा splitting. Is weak ligand, repulsion is less. Less. Repulsion is less means splitting less. Less means, because we know that Mohn's rule ये होता है कि पहले एट, अगर मुझे फाइव ऑर्बिटल भरने तो थ्री, फिर फोर एंड फाइव. कभी भी हम ये फिल नहीं करते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं करते. हम लोग क्या करते हैं, पहले एक एक सबको देते हैं, गिव वन इलेक्ट्रॉन टू ईच ऑर्बिटल एंड देन. ये तो था मून्स रूल. अब मैं ये बात कर रही हूँ मून्स रूल के हिसाब से. एक हम पढ़ रहे थे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, एक है वीक फील्ड लिगेंड. क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा, तो मान लीजिए ये ऐसे ही रहेगा, इतना ही है. और बिकॉज दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ये ऊपर इतना ज्यादा डिस्टेंस है, तो मैं ये कह रही हूँ टी2जी में तीन ऑर्बिटल है, ईजी में दो ऑर्बिटल है. सेम यहाँ पे टी2जी में तीन ऑर्बिटल है, ईजी में टू ऑर्बिटल है. तो मैं ये कह रही हूँ
कि T2G में पहले आप क्या करोगे, बिकॉज ये हायर है 1 2 3, तो ऊपर देना बहुत मुश्किल है क्योंकि तो हायर पे चला गया, तो पहले हम क्या करेंगे नीचे वाले सारे फिल करेंगे, और यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड में क्या क्या करेंगे, यहाँ फिर ऊपर फिल करेंगे, फिर ऐसे फिल करेंगे. और नाउ यू आर गेटिंग बिकॉज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड में क्वेश्चन आस्क्ड मेनी टाइम्स क्वेश्चन आ जाता है. तो मैं ये कह रही हूँ दिस इज द टेबल, यहाँ पे ये नंबर डी ऑर्बिटल में है, कितने नंबर है, दिस इज T2G चार्ट, दिस इज EG, दिस इज M, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट वो जो आपने निकाला था, दिस इज स्पिन, दिस इज नेचर, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, ओके दिस इज नेचर, दिस इज नेचर. नाउ आई एम टेलिंग यू दिस इज D1, D1 जो फिल करेंगे वो हमने फिल किया पहले में, ठीक है. अब मैंने नाउ वी हैव टू फिल D2, अब D2 में कहां करूं, किस में करूं, इस सीन में से एक को ये था, D2 किस में फिल करूं, T2 चिकन नेक्स्ट और बैटल में, वेरी गुड. एंड व्हाट अबाउट D3, T2 चिकन थर्ड और बैटल में, थर्ड और बैटल, थर्ड में फिल कर दिया. नाउ D4, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट D4 एंड इट इज वीक लिगेंड, सपोज दिस इज G4, जस्ट लिसन केयरफुली. Now D4, मैंने D3 तो भर रही हूँ. Now D4 कहाँ फिल करूँ मैं? EG में. Yeah. EG. EG. Very good. Now the topic is clear. First or vital में. अभी strong फिल की गई है तो कहाँ फिल करते? T2G. Very good. Yes. Now, what is the magnetic moment? Because unpaired electron is 1, so magnetic moment is under root n plus n plus 2. N plus 2. Under root 3 is the answer. And if I'm talking about spin, 2 into half, what will spin kya aayega? 2. Very good. 2s plus 1 equals to 2 into half plus 1. 2 se cancel, that means 2. And what is the magnet? What is the nature? Paramagnetic. Very good. Now, D2 ka nikalna. How? Under root, kya aayega D2 ka? What will come here? D2 ka magnetic? Under root 10. Under root, just take care. 8. Under root 8. Under root 8, and what will be the spin? 3. What is the nature? Paramagnetic. Now, if I am talking about D3, what is the magnetic moment? Root 15. And under root n plus 2. So, n kya hai? Yahan pe 3 hai. So 3 plus 2, 3 into 5, under root 15 ho gaya na 15. And what is yes. The spin? Because four. 3 are there, 3 and so 4. Matlab 3 ka jo half. That means 3 ka 8 ka half, dusre ka half, teesre ka half, third one is also half. So half. What you will write? Kya aayega answer? D3 ka spin. Now we are D5. T2G me 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Then 4, 5. Yes, ma'am. Yes. What about spin? How many unpaid electrons are there for D5? 5. Under root nikalo with the formula under root. Root 35. Under root? 35. Very good. And what about spin? 6. 6. 6. Six. Spin 6. And what about nature? Paramagnetic. Very good, Aniket. D10 is diamagnetic. Diamagnetic. Very good. Because 5 orbital and D10, so sara hi fail ho jayega na. Everything yes, is failed. So D10 ka mujhe batao, how many unpaired electrons? Zero. Zero. How Zero. Many magnetic moment? Zero. Zero.
How many spin? One. For D8. Electron. This paramagnetic and two unpaired. Magnetic two unpaired. Root 8. Two root unpaired eight. Electrons. And what root about spin? And three. And very good. Now I think it is clear three. For you guys. Now tomorrow we will do for weak, strong field ligand.